गाइज आई गेस मैंने सच में रॉन्ग मीशो डाउनलोड कर लिया, बिकॉज यार ये ड्रेसेस कितने सुंदर है, आई कांट बिलीव कि ये मीशो से आए सीरियसली फॉर द फर्स्ट टाइम। हाय गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले कुछ अमेजिंग मीशो ड्रेसेस के बारे में जो कि एक्चुअली अमेजिंग है गाइज। मैं बोलूँ इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे आज के पहले कभी रिसीव नहीं हुई है। दे आर सो गुड, मतलब मीशो पे सस्ती ही नहीं प्रीमियम चीज़ें भी मिलती हैं, आज तो प्रूव हो गया यार। ये ड्रेसेस आपको अराउंड 1000-1200 के करीब में पड़ेगा, बट गाइज दिस ड्रेसेस आर लिटरली वर्थ बाइंग। एंड इसमें से एक जो ड्रेस है आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, मे बी पहनते हो, क्योंकि मैंने 2-3 जन को देखा हुआ है। सो इसलिए आई वॉज लाइक कि आई शुड बाय और नॉट, बट आई लाइक इट सो आई बॉट इट। एंड यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे टोटल 7 पीस है मेरे पास, पूरे ड्रेस सेट है, मतलब जो कुर्ता पजामा एंड दुपट्टा वगैरह होता है सारी चीज़ें हैं, और हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन, बिकॉज यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दिस इज अ पर्पल कलर। यहाँ पे बस एक और पर्पल कलर है, बाय द वे 2 पर्पल कलर के ड्रेसेस मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए हुए हैं, तो ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आया जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज ये जो पैकेजिंग होती है ना, ये आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हो, चाहे ड्रेस यूज़ करो ना करो थैली तो ज़रूर यूज़ हो जाती है, तो ये एक चीज़ है। एंड इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी बाजू में, वीडियो भी लगा दूंगी कि पहनने के बाद कैसा लगता है, प्लस इसका प्राइस क्या है। ओके सो बात करें इस ड्रेस की, तो ये स्ट्रैप वाला ड्रेस है और बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है गाइस, बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैंने सिलवा के लिया है ये ड्रेस, मुझे ऐसी फील आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पैटर्न है ये कुछ इस तरीके का है, काफ़ी प्रिटी लग रहा है यहाँ से ये, एंड काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पे जो डिज़ाइन देख रहे हो पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी की पैटर्न है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। साथ में नीचे ना ऐसे आर्क वाला शेप दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंटेड वाला शेप नहीं है, आर्क है, थोड़ा सा कर्विश है। यहाँ पे भी आपको इस तरीके का पूरा एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा, तो ओवरऑल कलर एंड पैटर्न इज़ रियली अमेजिंग, रियली ब्यूटीफुल। आई मीन अमेजिंग नहीं बोलूँगी, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड मतलब ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब ये ना काफ़ी ऐसे प्रॉपर इंडियन आउटफिट का लुक दे रहा है। एंड सेकेंडली डिज़ाइन वगैरह अगर हम बात करें ना ओवरऑल, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड इसका जो लेंथ है वो अराउंड नी के थोड़ा ऊपर ही है मुझे, बाय द वे माय हाइट इज़ 5.7 इंचेस, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। नाउ इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टा भी काफ़ी हैवी है यार, मतलब वर्क नहीं है बट जो कपड़ा है ना इट्स वेरी थिक, एंड जॉर्जेट का मटेरियल है। बाय द वे जो कुर्ता था वो भी जॉर्जेट मटेरियल में ही है, सो दुपट्टा कुछ इस तरीके का है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड इसका जो पैंट है वो आपको स्ट्रेट प्लाजो टाइप का पैंट मिल जाएगा, बट हियर इज़ द ट्विस्ट, आपको नीचे ना कुछ इस तरीके का मिलेगा, देख रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके का कुछ मिल जाएगा जो कि काफ़ी अलग सा लग रहा है मुझे, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं तो इसलिए काफ़ी अलग सा लग रहा है एंड काफ़ी प्रिटी लग रहा है, पहने का भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसका जो लेंथ है ना वो एंकल लेंथ है, जो वेस्ट है इसमें इलास्टिक का वेस्ट मिल जाएगा, तो पहने का तो बहुत प्रिटी लग रहा है। साइड में वीडियो लगाया हुआ है यार, देख लो, बहुत प्रिटी लग रहा है और ये कलर सबके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ड्रेस, यहाँ पे अगेन मेरे पास पर्पल कलर की ड्रेस है जो कि सिक्वेन वर्क वाली ड्रेस है। सिक्वेंस वर्क ज़्यादा करके आजकल बहुत ट्रेंड में है, एंड पिछले साल तो इट वॉज बूमिंग लाइक एनीथिंग, जिसको देखो वो सिक्वीन वाली साड़ी ले लो या फिर ड्रेस ले लो वही पहन रहा था, इवन दो ब्लाउज वॉज ऑल्सो वेरी ट्रेंडी दैट डेज, अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा 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 फेड हो रहा है और कुछ नई चीज़ें और आ रही हैं, तो मेरे को ये भी ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा। इस टाइप के मेरे पास ना ऑलरेडी ड्रेस, बट कलर इज़ प्रिटी, वाओ लग रहा है एकदम, मतलब कितना प्रिटी लग रहा है ये। इसका कपड़ा जो जॉर्जेट मटेरियल का है, वर्क एकदम नीट एंड क्लीन है जैसा कि आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे स्ट्रेट ऐसा स्ट्रेट फिट वाली कुर्ती है, आई थिंक ये नी लेंथ तक मुझे आराम से आ जाएगी, तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी लग रही है। बैक से पूरा प्लेन दिया हुआ है, बैक पे कोई भी पैटर्न नहीं है, और हाथ आपको यहाँ पे एल्बो तक मिल जाएगी, हाथ के अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं लगाई हुई, तो ड्रेस बहुत प्रीटी लग रही है गाइस। इसमें आई थिंक कलर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेक कर लेना। दिस कलर इज लुकिंग लिटरली वेरी प्रीटी। बाय द वे सारे ड्रेसेस मतलब मुझे एस से एम हो जाते हैं, बट साइजेस अवेलेबल ना होने की वजह से मैंने लार्ज भी मंगाया हुआ है, तो विल फिक्स बाय स्टिचिंग इट एनीवेज, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके पैंट की बात करें तो आपको स्ट्रेट पटियाला नहीं,
स्ट्रेट थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब स्ट्रेट ही है बट थोड़ा सा यहाँ पे चून देके इसे फ्लेयर वाला वाला प्लाजो पैंट बनाया है। नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके की बॉर्डर लगी हुई है, तो ओवरऑल ये भी काफी अच्छा है और वेस्ट इलास्टिक दिया हुआ है। एंड ये ऐसा कलर है ना गाइज, ये किसी के ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा। बात करें इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टा कुछ इस तरीके का है, पतला सा दुपट्टा दिया हुआ है जस्ट ऐसे ही नाम के लिए, जो आप ऐसे ही ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा बिकॉज नाम के लिए दुपट्टा दिया हुआ है, दैट्स ऑल, क्योंकि बहुत पतला है। बट लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है और साइड में इस तरीके का बॉर्डर लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कुर्ते की। तो यहाँ पे ये जो कुर्ता है, ये कुर्ता नहीं है, अनारकली वाला फील देगा, मतलब शॉर्ट जो गरारा आई थिंक बोलते हैं, जिसमें अनारकली ऊपर होती है और नीचे प्लाजो होता है वैसा टाइप का, तो ये वैसा टाइप का ही है। ये थोड़ी बड़ी साइज में मुझे रिसीव हो गई है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है मुझे। बट ड्रेस का कलर एंड जो पैटर्न है ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ओवरऑल अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे नेक पे कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा और बाकी पूरा प्लेन है ये, इसमें और कोई भी पैटर्न नहीं है, और सामने इस तरीके का लटकन मिल जाएगा जो आप टाई कर सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। एंड जो घेरा वगैरह है, मतलब ओके सा है, अगर आप अच्छे से स्टाइल करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। एंड इसमें आपको पैंट मिल जाएगा, पैंट यहाँ पे, ये दुपट्टा है। पैंट जो है आपको इस तरीके की प्लाजो टाइप की मिल जाएगी, थोड़ा सा फ्लेयर है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो हल्का सा फ्लेयर दिया हुआ है, चून नहीं है बट फ्लेयर है, तो ओवरऑल ये भी अच्छा है काफ़ी। जैसा मतलब ओवरऑल डिज़ाइन ऊपर के कुर्ते के ऊपर दिया हुआ ना, सेम पैटर्न प्लाजो के बॉटम पे भी दिया हुआ है एंड जो वेस्ट है वो इलास्टिक है। लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी ओवरऑल, एंड जो दुपट्टा है वो कॉटन में दिया हुआ है, बाय द वे दिस इज़ इन रेयन कॉटन वाला जो मटेरियल आता है ना, वो मटेरियल है। लेंथ वगैरह डिसेंट है, अच्छा लग रहा है, एंड साइड में इस तरीके के टेसल्स लगाए हुए हैं चारों कॉर्नर पे, एंड बॉर्डर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, तो ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारे ड्रेस का MRP एंड स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी लगाया, तो वहाँ से देख लेना। नाउ विल टॉक अबाउट अ फोर्थ ड्रेस, आई गेस येस। तो ये वाइट कलर का कुछ ड्रेस है एंड ये भी बहुत सुंदर सी ड्रेस है, ये मैंने ना अंडर 1000 आई थिंक परचेस की है। इसका प्रिंट बहुत ही आलीशान बोल सकते हो आप, काफ़ी यूनिक लगा मुझे, प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छा है। कुर्ते में ना अंदर से लाइनिंग दी हुई है जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, और इससे ही प्रोडक्ट का क्वालिटी डिफाइन होता है। अगर आप वही चीप रेट में जाते हो, सस्ते में जाते हो, तो ऊपर का कपड़ा बहुत कड़क होता है और अंदर लाइनिंग नहीं मिलती है, बट अगर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर लाइनिंग भी मिल जाती है और कपड़ा भी अच्छा मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का है, ओवरऑल जो पैटर्न है बहुत अच्छा लग रहा है। नेक पे कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा, हाथ का लेंथ जो है वो एल्बो तक का मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज थोड़ा सा ऐसे यूनिक क्या बना रहा है, इसमें यहाँ पे इस तरीके के नेट का जाली वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बांह के यहाँ पे लगाया हुआ है, एंड सेम चीज़ नीचे भी लगाई गई है। तो ये थोड़ा सा इसे अगर मैं कहूँ तो एक पाकिस्तानी कुर्ते वाला वाइब दे रहा है, हल्का फुल्का सा, ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। एंड पीछे से भी प्रिंट आपको मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल जो प्रिंट है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफ़ी ओल्ड टाइम के जो प्रिंट्स होते थे ना वैसा वाला वाइब दे रहा है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका जो पैंट है वो प्लेन वाइट कलर का पैंट है, और नीचे इसमें अगेन इस तरीके की जाली वाली नेट का जॉइनिंग मिल जाएगा इस तरीके का। पहनने के बाद ये एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दिस कलर्स विल कॉम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी इंडियन स्किन टोन। तो लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेट फिट पैंट दी हुई है, इलास्टिक वेस्ट दी हुई है, दैट्स ऑल, इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द दुपट्टा, दुपट्टे पे भी पूरा का पूरा वैसा ही प्रिंट दिया हुआ है जैसा ड्रेस के ऊपर था, ओवरऑल बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ है कि दुपट्टा थोड़ा सा कड़क टाइप में है, मतलब वैसा वाला कड़क नहीं कि आप इरिटेट हो जाओगे, बस थोड़ा सा स्टिफ मटेरियल है, दैट्स ऑल, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा स्टिफ मटेरियल में, बट बहुत अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो इसके साथ मैच नहीं हो रहा बट अच्छा लग रहा है। पैटर्न एक बार मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से, यहाँ पे भी साइड में सेम जो नेट का कपड़ा लगा हुआ है ओवरऑल ड्रेस में वैसा ही लगा हुआ है। तो ओ माय गॉड, लाइट चली गई, आई डोंट नो व्हाई, ओके गाइस लाइट चली गई, ओके आई थिंक इनफ होगा इतना हमारे लिए लाइट, वैसे लाइट तो काफ़ी आ रही है। एनीवेज, सो ये दुपट्टा कुछ इस तरीके का है एंड पैटर्न कुछ इस तरीके की है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, मुझे ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ हमारे पास आई थिंक तीन ड्रेसेस और बचे हुए हैं, येस, तीनों ही बहुत सुंदर है। एंड ये वाला जो ड्रेस है ना, पिक में तो क्या लग रहा था, मतलब एकदम लाजवाब लग रहा था, एंड आया भी वैसा ही है, मतलब बोले ना एक नाजुक भरा ड्रेस होता है, नाजुकता जिसमें होती है, नाजुक बोलते हैं या नाजो बोलते हैं, मतलब नाजो वाला फील,
से क्यूट सा सोफिस्टिकेटेड छोटा सा ऐसा दिखता है ना, वैसा टाइप का कुछ लुक ये आपको देगा। सो ये कुछ इस तरीके का है, कह दो बस ये ड्रेस आपको नहीं पसंद आई, कह दो बस एक बार कह दो नहीं पसंद आई, हो ही नहीं सकता कि आपको ये ड्रेस ना पसंद आए। तो ये कुछ इस तरीके का है, वर्क देखो आप, ये जो वर्क देखो ना सब एम्ब्रॉयडरी है, जॉर्जेट का मटेरियल है एंड पूरा का पूरा ना बीड्स का वर्क है, बीड्स यानी कि पर्ल का वर्क है, पूरा पर्ल लगाया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये मुझे। मतलब ओवरऑल ड्रेस में ना मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका पिक देखा था, आई वॉज लाइक कि पता नहीं ये कैसा आएगा बट आई वॉन्ट टू ट्राई दिस बिकॉज इट्स लुकिंग एक्चुअली गॉर्जियस। तो ये बहुत ही गॉर्जियस लग रहा है, कलर भी काफ़ी प्रिटी है, मतलब एक पेस्टल में ना, मतलब पेस्टल कलर्स में ना पर्ल्स बहुत अच्छा लगता है एंड पिंक्स के साथ भी पर्ल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया जाता है। तो वाइट एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में ये बहुत ही सुंदर सा है, यहाँ पे पूरा वर्क दिया हुआ, मतलब ओवरऑल जो ड्रेस है ना पूरा वर्क से भरा हुआ है। आई डोंट नो अगर आप पूरा एक साथ देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, साइड में वीडियो लगाऊंगी मैं, आप देख लेना प्लीज़। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है एंड यहाँ पे इस तरीके की पूरी क्या कहते हैं पर्ल की वर्क की हुई है, आगे ही नहीं पीछे भी इस तरीके का बॉर्डर लगाया हुआ है। एक मिनट मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो पीछे भी इस तरीके का यू नो पूरा बॉर्डर लगाया हुआ, काफ़ी प्रिटी ड्रेस है। अब हम बात करें हाथ की, तो हाथ में लाइनिंग नहीं दी है जो कि बेस्ट किया है, बिकॉज इस टाइप के ड्रेसेस में ना हाथ में लाइनिंग नहीं अच्छी लगती है, हाथ ट्रांसपेरेंट हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बेल बॉटम वाला फील दिया है हाथ के इस वाले एरिया में एंड यहाँ पे आप वर्क देखो, बहुत ही गॉर्जियस सा ड्रेस है, बहुत ही गॉर्जियस सा ड्रेस है। आई थिंक मैंने इसे समवेयर अराउंड वही 1500 के अंदर परचेस किया, बट गाइज बहुत ही सही कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सही ड्रेस है। अब हम बात करेंगे इसके पैंट की, तो ऑफ कोर्स ड्रेस इतना भरा हुआ है तो पैंट भरा हुआ नहीं होगा, देर जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ देर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर आउटफिट ऑन एंड व्हाट यू आर वेयरिंग, जैसे ज्वेलरी वगैरह, सेम गोज टू ड्रेसेस या फिर जो भी कॉम्बिनेशन होता है ना, कलर कॉम्बिनेशन या फिर वर्क बोल लो कपड़े के ऊपर, तो बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉटम में वर्क है तो ऊपर आपको वर्क नहीं मिलेगा, सेम गोज़ टू साड़ी वाले, तो अगर साड़ी में वर्क है तो आपको ब्लाउज हल्की मिलती है या फिर अगर ब्लाउज हैवी है तो साड़ी आपको प्लेन मिलती है। तो यहाँ पे पैंट भी जो है ना वो प्लेन ही दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फिट पैंट है दैट्स ऑल एंड कलर सेम है। आई थिंक लाइट जाने का रीज़न, आई नो बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी, आई डोंट नो बहुत ज़ोर से बारिश चालू हो गई है बाहर और अंधेरा भी हो रहा है। आई थिंक आई शुड रैप अप सून बिकॉज अंधेरा हो जाएगा और लाइट का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। एनीवेज चुन्नी जो है इसकी, ओ माय गॉड दिस इज सो प्रिटी मैन, देखो आप कितना सुंदर दुपट्टा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना मुझे इसके लिए एक सेपरेट से शॉट शेयर करना चाहिए जिसमें सिर्फ ड्रेस को, ड्रेस की जो डिटेलिंग होती है ना वो दिखाई दे। अब देखो यहाँ पे कटआउट्स वाले वर्क किए हुए हैं, वो भी कितने क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। प्लस इसका लेंथ भी बहुत अच्छा है, मतलब जितना दुपट्टे का लेंथ होना चाहिए उतना लेंथ है, इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी प्रिटी गाइज। अगर आपको परचेस करना है शुड डेफिनेटली गो विद दिस वन, पूरा बोलते हैं एक जैसे कि मैंने कहा नाजुक वाला फील दे देगा ये आपको, बहुत ही सुंदर लग रहा है। नाउ वी हैव टू मोर ड्रेसेस एंड जो सेकेंड लास्ट ड्रेस है उसके बारे में बात करते हैं। सो सेकेंड लास्ट ड्रेस जो है ना वो काफ़ी मतलब सेटल ड्रेस है, अभी जैसे कि मैंने थोड़ा हैवी ड्रेसेस दिखाया आप लोगों को, सेटल लुक में चला जाता है, जैसे कि थोड़ा सा प्लेन कुर्ता जिसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, जिसमें प्रिंट वगैरह दिया हो तो वो वाले ऑप्शन भी है मेरे पास। तो ये कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है इसका, नेक पे आपको ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाएगा जिसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है एंड हैंड जो है प्लेन प्रिंट वाला ही है, थ्री फोर एल्बो तक का हैंड मिल जाएगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका लेंथ वगैरह भी काफ़ी सही है, डिसेंट सा लेंथ है, आप इसे ऑफिस द फर्स्ट एक दो टाइम में ऐसे कहीं बाहर आने जाने में यूज़ कर सकते हो, बाकी टाइम आप इसे डेली वेयर में निकाल सकते हो आराम से। इसका जो पैंट है ये कुछ इस तरीके का है, प्रिंट वाला ही पैंट दिया हुआ है इसका, पूरा ओवरऑल सेम प्रिंट दिया हुआ जो आप देख सकते हो,
पूरा ओवरऑल प्रिंट जो है ना वो भी काफ़ी प्रिटी लग रहा है एंड कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, मरून कलर का है। तो डेली वेयर हो गया या फिर इनिशियली आप पहन रहे हो तो कहीं आने जाने के लिए पहन सकते हो, बाद में आप इसे डेली वेयर के लिए निकाल सकते हो बिकॉज इट इज़ इन कॉटन मटेरियल और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। एनीवेज अब हमारा गर्मी भी उतनी हो रही है, बारिश हो रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। Now here we have last piece for the day and for the video. So ये I think आप लोगों ने देखा होगा influencers को, मतलब बहुत सारे आपके favorite जो influencers होंगे उनको try करे हुए and मैंने भी देखा हुआ है actually. But I don't know why मैंने जब ये new आया था तब मैंने try नहीं किया था and अब मैंने इसे all of the sudden बस purchase कर लिया। सो ये अगेन स्ट्रैप वाला कुर्ता है, काफ़ी सुंदर सा यू नो कुर्ता है ये, मतलब पूरा सेट है, कुर्ता नहीं है, काफ़ी सुंदर सा है। यहाँ पे ना आपको एडजस्ट करने के लिए जैसे हमारे इनर्स में होता है वैसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको इस तरीके के नॉट्स दिए हुए जो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट एंड जितना आपको चाहिए डीप, और अब आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा इस तरीके का बॉर्डर लगाया हुआ है पूरा ओवरऑल ड्रेस में, मतलब आगे के साइड में और पीछे के साइड में दोनों साथ में ही। आप अगर देखोगे ना इसका जो फील है ना थोड़ा सा आपको नायरा कट वाला आएगा, जो ऊपर तक यहाँ तक होता है ना चेस्ट के नीचे तक स्टिचिंग होती है उसके बाद साइड से जो कट होता है ना पूरा वैसा वाला है ये। एंड यहाँ पे वर्क पूरा दिया हुआ है, मतलब वर्क करने में कोई कंजूसी नहीं करी हुई है, वर्क पूरा दिया हुआ है इस तरीके का, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का वर्क दिया हुआ है। एंड नीचे का जो कट है ना वो थोड़ा सा ड्रॉपी काइंड ऑफ में, मतलब सॉरी मेरे आँख में चली गई यार। सो नीचे ना आपको कुछ इस तरीके का ड्रॉप पैटर्न मिल जाएगा, ट्रायंगल वाला शेप बोल सकते हो आप। एंड पूरा जो एम्ब्रॉयडरी है ना पूरा आगे एंड पीछे दोनों साइड दी हुई है, पीछे साइड भी दी हुई है। तो ओवरऑल ये बहुत सुंदर लग रहा है, मेन तो इसका कलर काफ़ी प्यारा है। अगर हम बात करें इसके पैंट की तो पैंट भी आपको स्ट्रेट पैंट मिल जाएगा विद द इलास्टिक वेस्ट, एंड नीचे आपको इस तरीके का बॉर्डर लगा हुआ मिल जाएगा, दैट्स ऑल। जो मटेरियल है वो जॉर्जेट मटेरियल है ओवरऑल ड्रेस का, तो ये कुछ इस तरीके का है और इसमें और कुछ नहीं है बताने के लिए ना। अगर हम दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा भी सेम ही है विद द सेम बॉर्डर, मतलब ओवरऑल जो ड्रेस है ना इट्स मतलब इट्स सेल्फ वेरी सिंपल बट गिविंग अ बॉम्ब वाइब, इतना मैं कह सकती हूँ। एंड कलर भी काफ़ी प्रीटी है, आई डोंट नो इसमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आप प्लीज़ चेक कर लेना, मैं लिंक्स डाल दूंगी नीचे तो आप चेक कर लेना। सो गाइज ये था आज का मीशो हॉल, आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को भर भर के लाइक कर देना। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड या लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल, आई थिंक मुझे हर वीडियो में बताती हूँ बट आप लोगों को बताना भी तो ज़रूरी है कि लिंक्स कहाँ पे। तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक सारे ड्रेसेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय।